हेलो दोस्तों, शेजन किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको होममेड चॉकलेट्स कैसे बनाना है इसकी रेसिपी बताती हूँ। बहुत ही सिंपल है और आसान तरीके से बताऊंगी मैं आपको, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये देखिए, मैंने कोको पाउडर लिया है, जो 3/4 कप कोको पाउडर लिया है। ये मिल्क पाउडर है, ये भी 3/4 है। ये शुगर है, जो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, ये फुल 1 कप लीजिए, 1 कटोरी लीजिए। ये 5 से 10 मैंने बादाम और काजू को इस तरह से काट लिया है। ये कोकोनट कुकिंग ऑयल है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आप कैसे करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। ये ट्रेस है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है, आप भी इसको मंगा सकते हैं, अवेलेबल मिल जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा छोटे से अपने स्टील के बर्तन में मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है। अब हम इसको कोकोनट ऑयल इस स्टीम से हम इसको इस तरह से रख के गर्म कर देंगे। ये अच्छे से थोड़ा सा गर्म हो जाए, डायरेक्ट मत रखिए, इसके स्टीम से ही इसको गर्म करिए। इस तरह से इसको इस तरह से हिलाइए, ये थोड़ा सा हीट हो जाएगा तो फिर हम आगे आपको कैसे बनाना है बताते। ये देखिए मेल्ट होने लगा है। ये अपना कोकोनट ऑयल मैंने अभी जो स्टीम पे गर्म किया था, उसमें मैंने बोल में डाल दिया है। अब इसमें हम ये शुगर है जो मैंने अभी आपको बताया था, एक कटोरी लिया है मैंने। अब इसको इस तरह से छान लीजिए ताकि इसमें जो मोटा मोटा होगा वो छन जाएगा। ये अपनी शुगर छन चुकी है, अब मैं इसमें कोको पाउडर भी इसी तरह से छान लूंगी। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें ये जो मिल्क पाउडर है वो भी डाल दें। दोनों को इस तरह से छान लीजिए। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए इस तरह से। जितना आप मिक्स करोगे उतना अच्छे से चॉकलेट्स अपने सारे मेल्ट होकर मज़ा आएगा। बाज़ार में अगर ख़रीदेंगे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट्स अपन ख़रीद नहीं पाएंगे, तो घर में ही बनाइए और आराम से आप बच्चों को बर्थडेस वगैरह भी तो आप घर में बनाकर छोटे से अपने स्कूल्स में ले जा सकते हैं। बच्चे जितने चाहे आप जो अपना बना पाओगे। अब मैं इसको इस तरह से डालूंगी, ये थोड़ा सा डाल दिया मैंने। ये देखिए अपना पूरा टेक्सचर मिक्स हो गया है। अब हम बीच में ये थोड़े चॉकलेट ट्रे में डालने के लिए जो मन चाहे वो डाल सकते हैं आप, जैसे किशमिश डालिए। मैं तो बादाम और काजू का बना लिया है, आप किशमिश और पिस्ता भी डाल सकते हैं। चलिए इस तरह से डाल दीजिए सारे। चलिए ये 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, अब हम ये चॉकलेट्स को अपनी ट्रे में से निकाल देते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये चॉकलेट बन चुके हैं, अब हम प्लेट में इसको निकाल देंगे। ये देखिए मैंने इसमें अपनी ट्रे में सारा अपना जो चॉकलेट का टेक्सचर था उसमें डाल दिया है। ये 3 ट्रेस में डाला है मैंने। अब इसको 3 से 4 घंटे तक आप डीप देखिए थोड़े से मैंने फ्लावर्स टाइप और थोड़ा हॉट शेप किया और थोड़ा